हेलो फ्रेंड्स, मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पुआ। इसमें कोई चाशनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बनाते हैं सूजी का पुआ। पुआ बनाएंगे, इसमें कोई चाशनी की जरूरत नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पे एक कप सूजी में एक कप पानी डाल के और उसको छोड़ दिया था 4 से 5 घंटे के लिए, जिससे कि सूजी जो है वो फूल जाए और सॉफ्ट हो जाएगा इसका पुआ तब। नहीं तो कभी कभी पुआ जो है वो हार्ड हो जाता है तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता। और इसे अब हम खूब अच्छे से ऐसे ऐसे करके गोल गोल करके मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से फेंट लेते हैं। कंटिन्यू इसे 5 मिनट चलाते हुए हमें फेंट लेना है और एक ही तरफ फेंटे, जैसे कि दही बड़े में फेंटता है वैसे ही फेंटना है हमें। कंटिन्यू एक तरफ, उल्टा नहीं फेंटना है। ये मैंने 5 मिनट अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी। एक कप सूजी है तो उसकी आधी हम चीनी लेंगे, या फिर अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हैं तो उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा चीनी कर सकते हैं, लेकिन आधा ही लेना ज्यादा सही रहता है। और 1/4 छोटा चम्मच हम कुटी हुई हरी वाली इलायची का पाउडर हम डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने चीनी की जगह उसके पाउडर का यूज किया है, जिससे कि चीनी जो है वो जल्दी घुल जाए, नहीं तो चीनी के जो मोटे मोटे दाने होते हैं वो जल्दी घुलते भी नहीं है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे, मोटा मोटा अगर आपका पुआ छनने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पतला ना करें। ये हमारा पुआ का बैटर तैयार हो गया। अब हम फ्राई करने चलते हैं इसे। पुआ फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसमें तेल डाल लिया है। मैंने यहाँ पर रिफाइंड तेल का यूज़ किया है। आप चाहें तो घी में या फिर जो डालडा आता है उसमें आप फ्राई कर सकते हैं। और अब मैं इस तेल को खूब अच्छे से पहले गर्म होने देती हूँ। इसे खूब अच्छे से मिक्स करते रहें जब तक तेल गर्म हो रहा है, या फिर जिस बैच में आप डालें। तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब जो हमने पुआ का बैटर तैयार करके रखा है वो एक करछुल में लेके और डाल देंगे। और इसे हम गैस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, हमें पुआ को तेज फ्लेम पे नहीं तलना होता है। लो टू मीडियम रखें। थोड़ी देर बाद इसे ये अपने आप देखिए नीचे से ऊपर की तरफ आ जाता है, तो अब इसे पलट देते हैं। मीडियम फ्लेम पे ही हमें पुआ को फ्राई करना है। यहाँ पे पुआ का बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पुआ का जो बैटर है उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। तो ज्यादा पानी नहीं, सिर्फ इस चम्मच से हम 2 चम्मच पानी डाल लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये पुआ जो है पक गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से पक गया और एक छन्नी पर हम डाल के इसको थोड़ी देर ऐसे करके गाड़ देंगे, जिससे कि इसमें जितना भी तेल या घी है वो निकल जाएगा।
ये हमारा पहला पुआ निकल गया, ये देखिए। ऐसे ही करके हमें जितने भी पुआ चाहिए वो हम फ्राई कर लेंगे। पुआ फ्राई करते समय एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पुआ के लिए हम तेल ज़्यादा यूज ना करें। दूसरी बात कि पुआ को हम थोड़ा सा ऊपर से हमें इसका बैटर डालना होता है, जिससे कि ये शेप लेने में इसे आसानी होती है। और इसे हमें पहले टच नहीं करना है, जब तक कि ये अंदर से जब पक जाएगा तो ये खुद ब खुद नीचे का तला छोड़ देता है, तो आपका पुआ बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप कच्चा में इसको पलटने लगेंगे तो ये फैल जाएगा और ख़राब हो जाता है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पुआ बनाते समय तेल हमें बर्तन में कम रहना चाहिए। हमारे बर्तन में बहुत ज़्यादा तेल भर के और पुआ नहीं छाना जाता। और दूसरी बात कि बैटर को हमेशा बीच बीच में कंटिन्यू आप एक दो बार चलाते रहें, जिससे कि बैटर जो है वो अच्छे से मिक्स होता रहे। नहीं तो कभी कभी होता है क्या कि जो नीचे जाके तले में और सारी सूजी बैठ जाती है, तो वो फिर आपका पुआ जो है जब लास्ट में आप छानोगे तो वो बहुत मोटा मोटा छनेगा और अच्छा भी नहीं लगता है। तो आप बीच बीच में बैटर को चलाते रहे। पुआ को एकदम कम लो फ्लेम पे आप फ्राई करें। ये देखिए अंदर से पक गया तो ये पलट गया, अब ये कहीं से टूटा नहीं। ये दूसरी तरफ से भी हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। ये पुआ बनके तैयार हो गया।